नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि करंटली हमारे इंडियन रेलवेज ने ये टारगेट ले रखा है कि भाई अगला जो हमारा इंडिपेंडेंस डे रहेगा यानी कि 15 अगस्त 2023 जो रहेगा, उसके पहले पहले हमारे इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में टोटल 75 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इनका इंट्रोडक्शन किया जाना है, जिसमें से टोटल 6 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये ऑलरेडी इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में चल रही हैं। और अगर हम लोग इसमें से पुरानी दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस हटा लेते हैं तो भाई रिसेंटली 1 से 2 महीने के बीच में ही हम लोगों को टोटल 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये देखने के लिए मिल गई हैं। और बहुत ही जल्दी यानी कि परसों के दिन ही हमारी देश की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये अपने ऑपरेशंस को शुरू करने वाली है। और ये ट्रेन जो है ये वेस्ट बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रहेगी, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है ये किया जाने वाला है हावड़ा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप में से काफ़ी लोगों को पहले से ही पता चल गई होगी, लेकिन बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आई है, इसके शेड्यूल के बारे में, टाइमिंग के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरह की नई वंदे भारत एक्सप्रेस रहने वाली है और किस वे में यह शताब्दी से थोड़ा बेटर रहेगी और टाइमिंग वगैरह इसकी क्या रहने वाली है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर बताया था कि हावड़ा में आने वाले टाइम में टोटल 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये बहुत ही जल्दी इंट्रोड्यूस होते हुए हम लोगों को दिखने वाली है, जिसमें से एक वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये हावड़ा से लेकर रांची के बीच में चलेगी, एक हावड़ा से लेकर पुरी के बीच में चलेगी और एक चलेगी हावड़ा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। तो हावड़ा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में जो वंदे भारत एक्सप्रेस का इंट्रोडक्शन किया जाने वाला था, इसका इंट्रोडक्शन जो है ये परसों के दिन यानी कि 30 दिसंबर को होने वाला है। इसका फ्लैग ऑफ जो है ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये वर्चुअल होने वाला है, यानी कि अभी तक जो मोदी जी हैं वो डायरेक्टली स्टेशन पर जाकर इनॉग्रेशन कर रहे थे, लेकिन ऐसे 75 वंदे भारत एक्सप्रेस में बार बार स्टेशन पर जाकर इनॉग्रेशन करना तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए मुझको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी यहाँ पे आने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस रहेंगी इनका जो वर्चुअल इनॉग्रेशन है यही हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन जो है ये परसों होने वाला है, इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन भी हमारे मोदी जी ही करेंगे। और इसके शेड्यूल वगैरह के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भाई हावड़ा से लेकर यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है ये 600 किलोमीटर के आसपास का है, और बताया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इसको टोटल 7.5 घंटे में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगी। अब हावड़ा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में ऑलरेडी एक शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, जिसको कि ये डिस्टेंस पूरा करने में तकरीबन 8 घंटे और 20 मिनट का टाइम लगता है। इसका मतलब कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये ऑलमोस्ट 1 घंटा कम टाइम यहाँ पे लेने वाली है एज़ कम्पेयर टू शताब्दी एक्सप्रेस। इसके अलावा जितनी भी नए कोचेस के अंदर आप लोगों को जो फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिल रही हैं, जैसे कि बड़ी स्क्रीन हो गई, नई सीट्स हो गई, इसके अलावा रीडिंग लाइट वगैरह वगैरह करके काफ़ी सारी यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं आप लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग टाइमिंग के बारे में बात करें तो भाई रिसेंटली यानी कि मंडे के दिन में इस ट्रेन के हावड़ा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में जो ट्रायल्स हैं ये कंडक्ट किए गए थे, जो कि सक्सेसफुल रहे थे, काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी स्मूथली सारे ट्रायल्स जो हैं ये हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि भाई ये ट्रेन जो है ये हावड़ा रेलवे स्टेशन से सुबह 5:55 पर निकली थी और 1:45 पर न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच गई थी। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट 8 घंटे का टाइम यहां पे लगा था, लेकिन यहां पे जो ऑफिशियल टाइमिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग 7.5 घंटे का टाइम जो है ये लगने वाला है। रेलवे की तरफ से कुछ ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े न्यूज़ हाउसेस हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर ट्रेन जो है ये सुबह हावड़ा से चलेगी 6 बजे और उसके बाद में आप लोगों को ये पर्टिकुलर ट्रेन जो है ये न्यू जलपाईगुड़ी 1:30 बजे पहुँचा देगी। 1 घंटा वहां पे रुकने के बाद में न्यू जलपाईगुड़ी से ये ट्रेन जो है वापस 2:30 बजे छूट जाएगी और उसके बाद में ये ट्रेन आप लोगों को वापस हावड़ा रात में 10-11 बजे के आसपास पहुंचा देगी। तो यही कुछ या इसका जो पूरा शेड्यूल है ये रहने वाला है, और परसों के दिन इसका इनॉग्रेशन जो है ये करने वाले हमारे मोदी जी। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो लाइव होगी तब तक इसकी जो टिकट्स वगैरह हैं वो बिकना शुरू हो जाएंगे IRCTC की वेबसाइट के ऊपर, लेकिन एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक ये पर्टिकुलर ट्रेन जो है ये IRCTC की वेबसाइट के ऊपर लिस्ट नहीं हुई है। अगर पॉसिबल होता है तो व्लॉग वगैरह बनाने का ट्राई करते हैं। वैसे तो मैं हर बार बोलता हूँ लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हावड़ा इंदौर में मैं रहता हूँ, हावड़ा काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ओकेजनल ब्लॉगिंग मैं कर सकता हूँ, रेगुलर जो ट्रैवल ब्लॉगिंग है वो शायद मुझसे नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं, अगर पॉसिबल होता है तो हावड़ा जाते हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ब्लॉग बनाते हैं, अगर पॉसिबल हो पाता है तो। कमिटमेंट नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन अगर आगे जाकर आप लोग इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आने वाली अपडेट्स जो है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।